Morning, students. Yesterday I have explained the first lesson, a girl with a basket. Now I would like to explain the second lesson, a fellow traveler as a gardener. A fellow traveler written by A.G. Gardner and explained by me, means Prashant Dwivedi. A.G. Gardner was the British journalist and author Alfred George Gardner was born in Essex in East England. He was one of the finest essayists of his time. His essays were marked with a note of pleasant humor. The essays of Gardner are full of many detailed and lifelike description of nature. His essays written under the pen name. शुरुआत में उन्होंने जो लिखना शुरू किया इनके हिम्मत नहीं पड़ रही थी. जैसे हम आप लोग हिम्मत नहीं पड़ती कोई नया काम करने के लिए, तो निक नेम है सचिन तेंदुलकर साहब का मास्टर द ब्लास्टर, गांगुली साहब का है दादा, हरभजन साहब का है टर्मिनेटर. इसी प्रकार हर व्यक्ति का कोई ना कोई निक नेम होता है. तो इन्होंने ही हैड स्टार्टेड राइटिंग इन द अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा डिप्लो. अल्फा ऑफ डिप्लो के तहत इन्होंने लिखना शुरू किया. बहुत पॉपुलर नाम था. हिज यूनिकनेस लाइज इन हिज एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इन एन एसे एंड अम्यूजिंग मैनर. इन दिस एसे फेलो ट्रेवलर गार्डनर नरेश हिज एनकाउंटर विद ए मॉस्किटो ऑन रेलवे जर्नी. जो आपका लेसन है ए फेलो ट्रेवलर, ये एजी गार्डनर एक यात्रा कर रहे थे ट्रेन पर, उनका मुठभेड़ होता है, इनकाउंटर होता है, फेस होता है एक मच्छर से, एक मच्छर से. और उन्होंने उसी बात को इस लेसन में लिखने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है. देखेंगे. इट इज ह्यूमरस एंड फिलोसफिकल लाइक मेनी अदर ऐसे आप गार्डनर. वन डे गार्डनर ट्रेवल्ड बाय द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन. इनिशियली इट वॉज फुल बट आफ्टर ए फ्यू स्टेशन द आथर रिमेंड अलोन इन हिज कैरेज. ही लिट ए सिगरेट एंड बिगन टू रीड हिज न्यूज पेपर. सडनली He became aware of his fellow traveler that was mosquito. यात्रा कर रहे थे. थोड़ा मैं लेसन के विषय में और क्लियर करना चाहूँगा. लंदन कोई छोटा शहर नहीं है, लंदन काफ़ी बड़ा शहर है. आपके बॉम्बे से लगभग 100-150 LC चलाई गई. आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि लोकल ट्रेन चलाने का मतलब क्या होता है. तो लोकल ट्रेन चलाने का मतलब है 100 ट्रेन चली, 150,000 लोग बॉम्बे से हटे. तो अगर 150,000 लोग बॉम्बे में रहते तो मैं 150,000 लोगों के पीछे 10 लीटर पानी अगर जोड़ दूं तो आप समझ सकते हैं कितना पानी वहां बच जाएगा. ठीक इसी प्रकार लंदन उस समय लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ था. इलाहाबाद आपका 50-55 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है. बॉम्बे कितने में है समझ सकते हैं. आपका चित्रकूट है लगभग 15 किलोमीटर में हो गया है. तो लंदन से अंतिम ट्रेन थी. जब ये चली तो पूरी भरी थी. और जैसे जैसे लंदन के आउटरिंग को छोड़ा, इलाहाबाद का आउटरिंग है नैनी, उधर आपका प्रयाग फाफामऊ. तो जैसे जैसे इसने लंदन के आउटरिंग को छोड़ा, ये लेखक अलग अकेला हो गया, या इसने सोचा मैं अकेले हो गया. और अकेलेपन का जिसके अंदर भाव था वो कहीं ना कहीं खुशी का भाव था. ही थॉट दैट ही वॉज टू डू ही वॉज फ्री टू डू व्हाट एवर ही लाइक्ड. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आप जो सोचते हो कर सकते हैं, जो कर सकते हो वो सोचते नहीं हो. हम लोग इस लेसन पर सीधे में जाऊंगा. आई डो नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट. मैं नहीं जानता हम में से पहले डिब्बे में प्रवेश किसने किया. इंडीड वास्तव में आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम. वास्तव में कुछ समय के लिए तो मैं जानता ही नहीं था कि यह डिब्बे में था. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन. ये अंतिम ट्रेन थी लंदन से मध्यवर्ती कस्बों के लिए. स्टॉपिंग ट्रेन, जगह जगह रुकने वाली ट्रेन. इनफाइनेटली लीजर, अत्यधिक लीजर नो अनहरीड और रिलैक्स्ड, जिस पर कोई जल्दी नहीं है. धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन. वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में एक व्हिच गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको हकीकत शाश्वत का ज्ञान कराएं.
इट वॉज स्लेवरी फुली, अत्यधिक भरी हुई थी व्हेन इट स्टार्टेड, जब इसने चलना शुरू किया, बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे हम उपनगरीय स्टेशंस पर उतर ठहरते गए रुके, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वन सेंटूज, तो यात्रीगण एक या दो करके उतरते चले गए, एंड बाई द टाइम उस समय वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, हमने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ा। आई वाज एलान, लेखक ने सोचा कि मैं अकेले था। मैंने बताया था कि पहले लेसन तरह ये लेसन भी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि इस लेसन पे भी एक बार नहीं कई बार आई प्रोनाउन का यूज किया गया है, एंड द लेसन द पोएम दैट यूज प्रोनाउन आई, इट मीन्स इट दैट इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द राइटर। लिखता आई वाज एलान, मैं अकेले था, आर रेदर आई थॉट आई वाज एलान, अथवा मैंने सोचा कि मैं अकेले जैसा था। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, और जब हम अकेले हैं तो हमारे मन में एक स्वतंत्रता का एक खुशनुमा भाव होता है। अबाउट बींग एलान, अकेले होने का, इन कैरिज डिब्बे में, दैट इज जोल्टिंग नॉइजी थ्रू द नाइट, जो रात में खटक ठक करके शोर मचा के चल रहा था। इट इज लिबर्टी, ये तो स्वतंत्रता है, एंड अनरिस्ट्रेंट, बिना किसी रोक टोक के, इन एवरी एग्रीबल फार, प्रत्येक स्वीकार के स्वरूप में, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कर सकते हैं जो आप चाहें, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, आप बातचीत कर सकते हैं, एज लाउड एज यू प्लीज, जितना तेज आप चाहो, एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई सुनेगा नहीं। यू कैन हैव द आर्गूमेंट, यू कैन हैव द आर्गूमेंट, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं विथ जोन्स, जोन नाम के काल्पनिक व्यक्ति से, एंड रोल हिम ट्रिम्पली इन द डस्ट, उसे मार करके धूल में मिला सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना प्रति जो काउंटर स्ट्रोक होता है, एन अटैक कैरिड आउट इन रिटेलिएशन, अर्थात बदले का जो प्रहार होता है, उसके बिना किसी भय के आप उसे मार के धूल मिला सकते हैं, धूल चढ़ा सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अकेले हैं डिब्बे में तो सर केवल खड़े हो जाइए, एंड नो वन विल सी, आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हैं, और डांस नृत्य कर सकते हैं, ए टू स्टेप, एकाध दो कदम, आर प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक, अथवा आप गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हैं, आर प्ले मार्बल्स, बहुत अच्छा खेल है, बच्चे बचपन में खेलते हैं इसे, कंचा चिंगा जिसको कहते हैं देसी भाषा में, उसको खेल सकते हैं ऑन द फ्लोर फर्श पर, विदाउट लेट आर हिंडर्स, बिना किसी बाधा या बिना किसी रुकावट या बाधा के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अपने सर के बल, यस। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं। अगर आप किसी बस में यात्रा किए हैं, आगे पीछे कोई पैसेंजर बैठा, आपने खिड़की खोला तो उसने कहा भाई सब प्लीज बंद करो, आपने बंद किया तो उसने कहा भाई सब प्लीज खोल दीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो यू कैन ओपन द विंडो और सेट इट विदाउट प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के, आप खिड़की खोल और बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़की खोल सकते हैं, आर सेट बोथ, दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड सेटिंग देम, आप निरंतर को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, एज ए साइड ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, एक प्रकार आप स्वतंत्रता का त्यौहार मना सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी एक कोने का चुनाव कर सकते हैं, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, या सभी का प्रयास कर सकते हैं, बारी बारी सभी कोनों पर बैठ सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई पैसेंजर वहां पर है ही नहीं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन, नियमतः हमें सीट पर पैर नहीं रखने चाहिए, लेकिन चूंकि वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, उसे बुंदेलखंड की यात्रा, जितने यात्री बैठते हैं 60% यात्री बैठते इधर सीट में, पैर उधर वाली सीट जरूर रखते हैं, अगर कोई बैठा भी भाई साहब हटिए थोड़ा पैर रखने हैं, लेकिन नियमता उस पर पैर नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि चूंकि दूसरा कोई है नहीं, आप अपने पैर फैला सकते हैं, सीट पर रख सकते हैं, एंड इंजॉय, आनंद ले सकते हैं द लग्जरी, विलासिता का, ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, जो नियम तोड़ने में होता है, एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, जो डोरा है डिफेंस ऑफ रिलीम एक्ट, उसके हृदय को तोड़ने का आप लाभ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। एंड ओनली डोरा विल नॉट नो, डिफेंस ऑफ रिलीम एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम भी नहीं जान पाएगा, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जाता है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा के फाइन से भी बच सकते हो। ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डू नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, मैंने इन चीज़ों में कुछ भी नहीं किया, ना तो मैं सर के बल खड़ा हुआ, ना कंचा खेला, ना उस पर जो पैर रखे, कुछ भी मैंने नहीं किया। दैट डिड नॉट हैपन टू कर टू मी, ये मुझे करने के लिए मेरे मन में बात आई भी नहीं। व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर आर्डिनरी, अत्यधिक समान था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, जो मेरा अंतिम सहयात्री था, हेड गन चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना समाचार पत्र रखा, स्ट्रेच माई आर्म्स, अपनी बाहें फैलाई, एंड माई लेग्स, अपने हाथ फैलाए, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखा, ऑन द काम समर नाइट, गर्मी की ठंडी रात, गर्मी की शांत रात में, काम शांत है,
थ्रू विच जिसमें आई वाज जर्निंग में यात्रा कर रहा था, नोटिंग इस ध्यान देते हुए द पिल रिमाइंसेज पिली स्मृतियों को, अर्थात दिन के जो स्मृतियाँ होती हैं, हमने कई बार बरसात में देखा होगा कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो कई बार आसमान नील पीला या लाल हो जाता है, कुछ इसी प्रकार के जो दिन के अभी स्मृतियाँ थी, दिन के संस्मरण थे, अभी व्याप्त थे आसमान में, ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड, अभी व्याप्त थे इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आसमान पर, क्रॉस द कैरिज डिब्बे को पार के एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा, लेट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, सेट डाउन बैड अगेन, बिगिन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू किया, इट वॉज देन, ये वही समय था, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, इट वॉज द टाइम, ये वही समय था जिस समय मैं अपने यात्री के बारे में मुझे जानकारी मिली, मुझे सूचना मिली कि अभी मैं अकेले नहीं हूँ, कोई और है। He came by and set my nose, मेरी नाक पर बैठ गया। He was an abdos bingi, वो एक पंख वाला निप्पी, you know, फुर्तीला और इंस्ट्रिप्टेड, you know, निर्भीक, इनसे कीड़ा था, दैट बिकाल जो स्पष्ट तौर पर मॉस्किटो, मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम अप, मैंने उसे उड़ा दिया, मच्छर कहीं बैठे, लोग उड़ाते जरूर अगर जग रहे हैं आप मेरे नाक से, एंड ही मेड मेक ही मेड ए टूर ऑफ कंपार्टमेंट, और उसने एक डिब्बे के उस पूरे कोच की यात्रा की, इन्वेस्टिगेट, तलाशी ली, इट्स थ्री डिमेंशन, अर्थात लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई तीनों अनुपात में, बिस्टर्ड ईच इंडो, प्रत्येक खिड़की पास गया, फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के पास थोड़ा फड़फड़ाया, डिसाइडेड तय किया दैट देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पर कुछ भी इतना रुचकर नहीं था, एज दैट लार्ज नेवल, जितना कि विशाल कैंपरणी, इन द कॉर्नर कोने में, केम आया एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसने मेरी गर्दन की ओर देखा। आई फ्लिक्ड हिम अप अगेन, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया, ही स्किप्ड अवे, चला गया उड़ करके वहाँ से, टुक अंदर जाने, एक दूसरी छोटी सी यात्रा की आनंद में, उछलता हुआ चला गया खुशी खुशी राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे पर रिटर्न लौटा एंड सीटेड हिमसेल्फ, स्वयं को बैठाला, इम्प्यूडेंट, बड़ी धृष्टता के साथ में, बड़ी निर्लजता के साथ में, निर्भीक और निर्लजता के साथ में, ऑन माई, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले भाग पर, इट इज इनफ, जैसे उसने तीसरी बार बैठाला मुझे क्रोध आया, मैंने कहा हद हो गई बस, आई सेड मैरिगुटी हैज इट्स लिमिट्स, मैंने कहा उदारता की भी कुछ सीमाएँ होती हैं, Twice you have been warned, दो बार आपको चेतावनी दी जा चुकी है, that I am someone in particular, कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, and my august person, मैं कोई शाही व्यक्ति हूँ, reasons the tickling impertinence of strangers, और मेरा अगर कोई अजनबी व्यक्ति मुझसे गुदगुदी करता है, किसी प्रकार disrespect के असम्मान की बात करता है, तो मुझे क्रोध आता है। I assume the black cap, हमारे यहाँ जब कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देता है तो पिन की निप तोड़ता है, लेकिन यहाँ पर विदेशों में आई एज्यूम द ब्लैक कैप, वो न्यायाधीश बन गया, अर्थात वहाँ पर न्यायाधीश काली टोपी पहनता है, उसने कहा मैं काली टोपी धारण करता हूँ, कांडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की मांग है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, ये जो आपका लाइन मैंने भी बोला एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 4 सीन 1 से ली गई है, वहाँ पर भी पोर्सिया ने निवेदन किया था और कोर्ट्स ये लाइन वहाँ की है, अर्थात कानून भी इसकी अनुमति देता है, द काउंट्स अगेंस्ट आर यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, कुछ मामले देखेंगे, चार्जेस देखेंगे, यू आर ए बैकग्राउंड, एक आप आवारा हो, यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, आप पब्लिक मानव जात को परेशान करने वाले हो, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, यू हैव नो मेट कूपन, आपके पास कोई मांस का कूपन नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोगों को जैसे आप यहाँ पर राशन के कार्ड जारी होता वहाँ पर मेड कूपन मिला करते थे, और उसने कहा कि आपके पास कोई मेड कूपन भी नहीं का हमारा खून पी रहे हो, फॉर दीज एंड मेनी अदर मेडिसिनल्स और बहुत तुम्हारे खिलाफ और भारी चार्जेज हैं, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने को तैयार हो जाओ, आई स्टक स्विफ्ट लेदल ब्लो, मैंने घातक प्रहार किया विथ माई हैंड्स राइट, अपने दाहिने हाथ से, ही डोज द अटैक, उसने अब बहुत चकमा दिया, ही डोज द अटैक विथ इंसुलेंट ईज, बहुत पर्याप्त आसानी से उसने अपने आप को बचाया, दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे चिढ़ा दिया, आप किसी छोटे बच्चे को मार रहे हैं, छोटा बच्चा अपना बचाव कर रहा है, तो आपका क्रोध बढ़ेगा। माई पर्सनल बेंटी वाज अराउंड, मेरा व्यक्तिगत अहम जाग उठा, आई लंगड एट हिम, मैं उस पर टूट पड़ा, विथ माई हैंड अपने हाथ से, विथ माई पेपर अपने अखबार से, आई जंप ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैंप, और लैंप तक उसका पीछा किया जहाँ वो लैंप में मन बना रहा था। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलिंग करें, मेरे चतुर चालाक बिल्ली के सभी चालें अपनाई, जिस प्रकार चूहा पकड़ने के लिए अपनाती है, बेटिंग इंतजार किया टिल ही हैड अराइव्ड, उसके उत्तर के आने तक, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टेल्थ, और मस्को पर पहुंचा अत्यधिक तेजी के साथ में, भयंकर तेजी के साथ में, चुपके से, सिक्योरिटी से, एंड सडन अचानक एंड टेरिबल स्विफ्ट, बहुत तेजी के साथ उस पर आक्रमण किया, लेकिन
परिणाम वही रहा व्यर्थ, अर्थात आई वॉज नॉट एबल टू किल हिम, किल इट, मैं उसको मार नहीं सका। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड, दैट्स ऑल।